सुनो लायला, तुम्हें ये कैसा लगा? सच कहूँ तो डायना ये वाला कैसा है, इसके हाथों के ऊपर वर्क है ना, बहुत अच्छा है ना ये। हाँ ये वाला कैसा है? ओहो देखो नास्ता, ये तुम्हारे लिए सही है, रेड एंड निकले। यार क्या तुम सीरियस हो? असल में मैं एक बर्नेट हूँ और मुझे पसंद है एक बर्नेट, समझ आया? तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ? नहीं आना, इन्हें तो तुम अपने तक ही। हाँ, देखो ये वाला। हाँ नास्ता देखो, ये तुम्हारी पसंद है, देखो इसे। हाँ देखो ये कैसा लग रहा है। हाँ, देखो देखो। हाँ ये मैं अपने लिए ले रही हूँ, देखो कैसा है ये, अच्छा है। असल में तुम्हारे पास एक स्माइल ही है। हाँ, देखो हम चुनेंगे लायला और नास्ता के लिए लड़के। हाँ ठीक है, लड़कियों बिल्कुल खूबसूरती पूर्वक रहना क्योंकि मैं तो थक चुकी हूँ अब बहुत। लड़कियों देखो, जो लड़का मैं ढूंढ रही थी अब मैं उसे लिखूंगी, देखो। हाँ ओहो डायना, ये स्माइली के साथ रिलेशनशिप का एंड है अब। हाँ डायना तुम्हारे पास एक स्माइल है इसीलिए उसे मैसेज मैं लिखूंगी, मुझे नंबर भेजो। ठीक है चलो लड़कियों बाद में लिखते हैं, अभी चाय पीने चलते हैं। हाँ ठीक है चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हाँ लड़कियों मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने लिए खुद से चाय बनाऊंगी, तुम और बताओ मुझे कि यगर्ट कहाँ है, मुझे यगर्ट खाना है। हाँ हाँ लेकिन मुझे फिर भी चाय चाहिए। हाँ देखो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें लड़के क्यों चाहिए, क्या तुम्हें पता है हमारे स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वो बहुत ही स्मार्ट है। मेरे लिए रिलेशनशिप स्टूडेंट और टीचर के बीच में सही नहीं है, चलो मैं बनाती हूँ, मुझे दो। हाँ लायला ये लो। हाँ देखो इसे। याना क्या तुमने सुना? नहीं वो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है, वो बदसूरत है। लड़कियों अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, गर्मियाँ आ रही हैं और हम कैंपस में जाएंगे। ओ डायना बिल्कुल, पर क्या जब गर्मियों की छुट्टी खत्म हो जाएगी तो हम कैंप जा सकते हैं? हम बोलेंगे बॉयफ्रेंड्स को, नास्ते और मुझे हमेशा के लिए बॉयफ्रेंड चाहिए, सिर्फ कैंप के लिए नहीं। डायना अभी कौन है? लड़कियों शायद ये कुरियर वाला होगा, मैं जाकर देखती हूँ। लड़कियों या शायद हमारे कपड़े आ गए। हाँ लड़कियों जरा सोचो, लड़के हमें इन कॉस्ट्यूम में देखकर क्या सोचेंगे, कैसा लगेगा उन्हें। लायला जरा ये सोचो लड़कियां क्या सोचेंगी हमें ऐसा देखकर। हाँ वो लोग जल जाएंगे। लड़कियों देखो ये क्या है, मैंने कुरियर ले लिया है और गेस व्हाट, इसके अंदर क्या है देखो। किस तरह का? लड़कियों मैं बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ 17 साल का है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ और वो बहुत ही शर्मीला है, मैं क्या करूँ। ओफो मुझे इन कुरियर के साथ एक पार्सल भी लाना है और उसमें एक लड़का भी होगा। अच्छा सुनो चलो लड़कियों कॉस्ट्यूम पहनकर स्कूल जाते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ जल्दी चलो फटाफट कपड़े पहनते हैं, जल्दी आओ। हाँ चलो, रुको रुको मैं आती हूँ। हाँ। वाओ ये कितने चमकीले हैं, मैं इन्हें जल्द से जल्द पहनना चाहती हूँ। हाँ सही कहा। लड़कियों क्या बात है, ये रहा तुम्हारा लाइट ग्रीन और तुम्हारा याना के साथ पिंक है, भागकर कपड़े बदलो जाओ। हाँ ये रहा तुम्हारा, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। लड़कियों हम शानदार लग रहे हैं, वैसे तुम लोग भी बुरे नहीं लग रहे। हाँ चलो स्कूल चलते हैं। तो लड़की अब हम क्या करने वाले हैं अपनी खूबसूरती से? चलो। ओ मेरा कुकू। देखो तुम्हें इतनी भावुक होने की जरूरत नहीं है, समझी? मोर्शिया और थियोम, तुम्हें अब सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, तुम शानदार कपल हो। गिगी बकवास बंद करो, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। मैं उसके साथ ठीक नहीं करूँगी, मुझे उसकी जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में कोई शानदार लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम्हें नहीं। नहीं तुमने देखा उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, मुझे अब उससे डेट करना शुरू कर देना चाहिए। वो तुम्हारे लिए अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हें किसी अच्छी लड़की को डेट करना चाहिए, समझे? अरे वो क्यों नहीं अच्छी है, देखो ना कितनी खूबसूरत है, चालाक भी है वो। डीमा वो तुमसे बहुत लंबी है, तुम्हारी जोड़ी उसके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मुझे पता है लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके बगल में बिल्कुल अलग सा लगूंगा, वो बड़ी है और मैं थोड़ा छोटा हूँ। डीमा तुम उसके पीछे एक छोटी सी चींटी की तरह लगोगे, प्लीज समझे ना तुम। पार्थिक हमें अपनी लड़कियों को खोना नहीं चाहिए, मैं उन दोनों की तरह नहीं बन सकता हूँ। हाँ मैं हमेशा किकी के साथ रहूंगा। तुम्हें पता है क्या आर्तियम, तुम मोर्शिया को नहीं जानते, खूबसूरती अंदर से होती है ना कि बाहर से, ठीक है ना? ओ जूली मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, हम खूबसूरत हैं बाहर से भी और अंदर से भी पूरी तरह से। हेलो दोस्तों, कैसे हो? देखो इन्हीं लड़कियों के वजह से कपल के बीच झगड़ा होता है। वाओ कोस्ते आज चीयरलीडर्स तो बहुत ही शानदार लग रही हैं। हाँ लायला भी शानदार है। हे
क्या तुम लोगों ने कुछ ध्यान दिया? हाँ याना, शांति से रहो अभी तुम। नास्ते, आम जिंदगी में खूबसूरत लड़कियों के लिए मॉडेस्टी किसी काम की नहीं है। बास्केटबॉलर्स कहाँ हैं? हाँ हम चलते हैं, वो हमें देखकर जल्दी से आ जाएंगे। याना चुप हो जाओ, तुम्हारे ब्रोस्तुआ को तुम पसंद आओगी। जूली मोर्शिया। हाँ कैसे कपड़े हैं? मैं तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। कुकु, ओ तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पैट्रिक हेलो, दरवाजे पे देखो कीड़ा है। अर्थियम अपनी जॉ संभालो प्लीज। मोर्शिया अब मैं फ्री हूँ। हाँ तो लड़कियों चलो चलते हैं यहाँ से, ये लोग हमारी बराबरी के नहीं है, ठीक है ना? चलते हैं यहाँ से। हाँ लड़कियों हम ट्रेनिंग हॉल में जाते हैं। चलो हम बास्केटबॉल प्लेयर्स को ढूंढ लेंगे अपनी तरफ देखने के लिए। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे ब्रोस्तवा से। वैसे डिमा तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, मैं लायला के साथ हूँ, समझे ना तुम? मैं तो नास्तिया के साथ हो सकता हूँ, वो मुझे अपनी टी शर्ट में डाल सकती है। क्या तुम जल गए? अच्छा बहुत हॉट, बहुत। लड़कों क्या तुम चीयर लीडर्स के दीवाने हो? तो लड़कियों मेरे पास एक तरकीब है, हम चीयर लीडर्स के खिलाफ सिग्नेचर्स इकट्ठा करेंगे इस स्कूल में। हाँ मोर्शिया, मैं भी पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ, हम सिग्नेचर्स इकट्ठा करेंगे। फुटबॉलर्स क्या तुम सिग्नेचर करोगे? हे सुनो, क्या मैं तुम्हारे सर पे सिग्नेचर कर सकता हूँ? क्या लड़कियों इतना जलन क्यों हो रही है तुम्हें? किसे जलन हो रही है? तुम भी कल से ऐसे कपड़ों में आ सकते हो। हाँ लेकिन हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे क्योंकि ये स्कूल है। हाँ दोस्तों, मेरे पास भी एक छोटा सी मिनी स्कर्ट है पर मैं उसे स्कूल में नहीं पहनती। गीगे उसे कभी मत पहनना। हाँ सही में पैट्रिक, मैंने अभी यही कहा। हे लड़कियों, क्या हम लोग सिग्नेचर ना करें तो चलेगा? क्योंकि हम लड़के हैं, हमें कपड़ों की इतनी समझ नहीं। हाँ, लड़के सिग्नेचर नहीं करेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है वो कैसे कपड़े पहनती है, मैं उसे नहीं देखता। पैट्रिक मैं तुम्हारे साथ कितने खुशनसीब हूँ। मुझे मतलब नहीं है चेयर लीडर से। तो आर्थियम चिंता मत करो, तुम अपना सिग्नेचर सबसे पहले करोगे, चलो पहन दो। हाँ तो लड़कियों हम यहाँ पर साथ हैं अपनी खूबसूरती से सबको जलाने के लिए। क्या तुमने देखा वो लोग सब जल गए हमसे? उनको बहुत जलन हो रही थी। लायला क्या तुमने देखा प्लेयर्स मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं? वो सिर्फ तुम्हारी तरफ नहीं, डायना और मेरी तरफ भी देख रहे थे। क्या तुमने देखा उनका मुंह खुला था उस वक्त? लड़कियों तुम्हें स्टीम बात लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है जब वो लड़के हमारी तरफ देखते हैं तो वो लोग जलते हैं हमसे। और जूली गीकी और मोर्शिया देखा तुमने कैसे चौंक गई थी? हाँ लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि कल वो लोग हमारी तरह कपड़े ना पहन कर आ जाएं। यार वो नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारे पास है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, ठीक है ना? ओह स्माइली, इतनी बढ़िया घड़ी कहाँ से मिली? हे देखो किसी को मत बताना, ये महंगी घड़ी मुझे मेरी एक्स ने दी थी। एक्स के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? उसने पूरा साल पैसा जमा करके मुझे ये महंगी घड़ी दी थी। लड़कियों चले हम अंदर? नहीं रुको अभी। चलो। हाँ चलो अभी चलते हैं। हेलो बास्केटबॉलर्स। ओ हेलो लड़कियों, हमारी ट्रेनिंग हो गई समझी? अब हम हॉल को तुम्हारे लिए खाली कर देंगे। क्या ये अंधे हैं? क्या इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया? स्माइली क्या तुमने कुछ ध्यान दिया? हाँ ब्राउज़र तुमने? नास्ते ये बास्केटबॉल प्लेयर सच में कलर ब्लाइंड है, ये अंधे हैं क्या? इन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं। हे डायना क्या तुम इसे लगा के आई हो? याना क्या तुमने अपने बाल काटे हैं? स्माइली क्या तुम मजाक कर रहे हो? ब्राउज क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें अपने मुंह पे बॉल क्यों चाहिए? हाँ याना ये तुमने क्या कहा? डायना बॉल्स आंखें, ये लोग अंधे हैं। याना मैंने देखा। वैसे ब्राउज क्या तुमने देखा कुछ? स्माइलर तुमने? याना तुमने कंसीलर नहीं लगाया। हे लड़कियों हमने ध्यान दिया कि तुमने नए कपड़े पहने हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाता। थैंक यू ब्राउज। क्या ये पुशअप है? हे स्माइली तुम क्या कर रहे हो? बास्केटबॉल प्लेयर्स हम भी नए कपड़ों में हैं। नास्ते शांत हो जाओ, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स नहीं है तो क्या तारीफ भी नहीं कर सकते ये लोग हमारी? नहीं लड़कियों तुम सब खूबसूरत हो। ब्राउज। याना लेकिन तुम सबसे अच्छी हो। सही कहा, तुम्हें हमेशा ये कहना चाहिए। स्माइल प्रैक्टिस के बाद हम कैफेटेरिया में मिलते हैं, प्लीज मेरे लिए कोकोआ मार्शमेलो के साथ और स्वीट बन ऑर्डर करके रखना। डायना मैं क्या कह सकता हूँ कि कोको बन के साथ? स्माइली मेरा मतलब है कोई बन नहीं चाहिए मुझे। ठीक है शुक्रिया। लड़कियों चलो ट्रेनिंग करते हैं। जाओ ब्रवास की, वैसे भी सारी लड़कियां मुझसे जल रही हैं। उनके पास करने को बचा भी क्या है? तो आखिरकार ये भावुक होना खत्म हुआ और शायद अब हम ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। अरे चलो भी। तो क्या तुम तैयार हो लड़कियों मेरे साथ? हम शानदार हैं। हमारी लड़कियां बहुत ठीक है, क्या तुम उन्हें परेशान होते देखना चाहते हो? उन्हें लगा कि हमने उन पे ध्यान नहीं दिया। उन्हें नहीं दिखा सकते, वो शानदार है वरना वो हमें छोड़ देगी। क्या वो छोड़ेंगी? नहीं छोड़ेंगी। अगर वो लोग आग हैं तो हम भी ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी। तो लड़कों क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम साइन नहीं करोगे? हमारे पास तीन सिग्नेचर्स पहले से ही हैं। तो क्या? तो आखिर फिर से तुम लोग हमारा साथ छोड़ रहे हो इस समय पर? कैसे हो तुम लोग? जल्दी साइन करो। तुम्हें उनके कपड़ों से दिक्कत है तो तुमने सिग्नेचर किया?
और असल में हमें दिक्कत नहीं है इसलिए हमने नहीं किया। हाँ, हमें पसंद आया है। ओ, तो पात्रिक तुम्हें वो पसंद आया, अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। हुर्रे, खत्म हो गया। हाँ तो लड़को बहुत हो गया। और कुकुआ, तुम अब मेरे कुकुआ बिल्कुल नहीं हो, तुम एक मरियल मुर्गे हो। कम शब्दों में लड़कियों, अब मैं क्या ही करूँ, हमारे लायक नहीं थे। क्या हुआ? बास्केटबॉल प्लेयर से धराओ। हे, तुमने सुना नहीं, थोड़ा शांत हो जाओ। क्या हमें हुआ? तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। किस लिए? हाँ, हमें सिग्नेचर चाहिए। हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो बास्केटबॉल प्लेयर्स, हम थक चुके हैं तुम्हारी चीयर लीडर्स से। वो यहाँ चल कर आती हैं और शो ऑफ करती हैं हमेशा। अच्छा, मैं समझ गया, वो जलती है। हाँ हाँ, याना ने मुझे बताया। तो बास्केटबॉल प्लेयर, अगर तुम साइन करोगे तो कल से हम भी सबसे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे और हम भी दिखावा करेंगे। तो तैयार हो जाओ, दिखावा करो। दोस्तों, क्या तुमने सिग्नेचर किया है? लड़को, तुम सिग्नेचर मत करना। लड़कियों, हम कभी भी साइन नहीं करने वाले हैं। जलो मत, लड़कियों के जलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। शुक्रिया शुक्रिया बास्केटबॉल प्लेयर्स, तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं। बात यह है कि तुम्हारी चीयरलीडर्स गैंग पर बुरा प्रभाव डाल रही है। हाँ, उसकी तरफ घूरते रहना इस तरह, क्या तुम्हें पसंद है ये सब कुछ? पता नहीं कौन घूर रहा है। तुम सही में घूर रहे हो? ये लोग घूर रहे थे। नहीं नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मरुषा, मुझे एक सीट देना, मैं सिग्नेचर करूंगा। तुमने देखा दोस्तों, कम शब्दों में लड़कियों, चीयर लीडर्स पहचानो। तुम तो गई। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अगर फिर से मैंने बुरे शब्द अर्थियों के मुंह से सुना ना, तो अर्थियों क्या कैमरा भी चल। लड़कियों, तुम्हें स्टीम बात लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले साइन ये है कि तुम शानदार दिखते हो। खत्म हो गया।